कितने ये सरसों आई है मंडी में और क्या भाव चल रहे हैं? श्री गंगानगर में सरसों की आवक जो है आज 2600-2700 कुंटल की अराइवल बनी है, और आने वाले और अगले सोमवार तक जो है ना ये अराइवल 10,000 कुंटल 15,000 कुंटल तक पहुंच जाएगी। आज के टाइम में जो सरसों बाज़ार में आ रही है, एक तो उसमें पाले की मार नहीं है, क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी ठीक होने से सरसों में ग्राहक की ठीक रहेगी, और तेल की क्वांटिटी अभी तक तो ठीक है। अगर इसका मॉइस्चर सूख जाएगा तो थोड़ी क्वांटिटी, जैसे अनन्य किस्मों की सरसों आ रही है तो उसमें ऊपर में 43 तेल बैठ रहा है और नीचे में बैठ रहा है 38.5-39, लेकिन ऐसा लगता है कि भी सरसों में जो आपकी तेल जो है ना कुल मिला के 39 और 40 के बीच में बैठता रहेगा। तो बाहर भी डिमांड कोई है तेल की या बाहर से मंगवा रहे? देखो अभी स्टार्टिंग फसल स्टार्ट हुई है, प्रारंभ हुई है, अभी लोग हर आदमी थोड़ा थोड़ा सैंपल के तौर पे एक आधा ट्रक जो भेज रहा है। अभी जो कच्चा माल स्टार्टिंग में तुल आ रहा है ना निकल के, उसमें ग्रीननेस है, ग्रीननेस के कारण थोड़ा सा माल जो है ना थोड़ा सा व्यापारी देख रहा है कि ग्रीननेस कम हो जाए, हाँ जी, तो उसकी मांग अच्छी रहेगी। भाव क्या चल रहे हैं आज की? भाव आज के नीचे में तो भाव चल रहे हैं करीब 4800 रुपये, और ऊपर में हाईएस्ट बिका है 5140 रुपये। आगे कोई तेजी सरसों पे? सरसों गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट माल ले रही है, जैसे अप्रैल में शायद इसकी मांग भी बोला, तो जैसे कोटा बेल्ट में 2-3 दिन बाद में मेरे को लगता है काटा लगने वाला है, तो हमारे यहाँ गंगानगर बेल्ट में अप्रैल में काटा लगेगा। तो गवर्नमेंट ने 5600 रुपये जैसे भाव दिया है, 5600 का भाव दिया है। अभी तीन रोज पहले जो भाव चल रहे थे 52-5300 बिक रही थी, 52-5300 वाली वैसे ही ऑटोमेटिक 56-57 पड़ रही थी, तो जिमीदारों को फायदा था। लेकिन अभी जिमीदार जैसे ये गिले सिले माल ला रहा है 6-7% मॉक्सर के, अगर उसका 5,051 माल बिक रहा है ना तो उसको माल बेचना चाहिए। सरकार को MSP पे जाने की संभावना है या उससे ऊपर रहेंगे देश? सरकार के MSP के जाने की संभावना ऐसा है कि गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है। गवर्नमेंट अगर 20-25 क्विंटल माल का वो लेती है, रेसा लेती है, तो ये भाव जो है ना मिनिमम ये रहो 5,000 से 5,200 के अंदर ही रहेंगे जी। और 5,000-5,200 के अंदर जो है ना जमींदार को एक तो झाड़ अच्छा है, कुछ बेल्ट में एक आधे बेल्ट में झाड़ कम है, बाकी बेल्ट में ये मान लो 4 क्विंटल से लेके ऊपर में 5.5 क्विंटल तक का झाड़ है, तो जिमीदार को भी फायदा है, कोई नुकसान नहीं है, और जिमीदार को माल बेचना चाहिए। जिमीदार माल रख लेता है तो तेजी नहीं आती। जिमीदार स्टार्टिंग में चाहे वो कोई भी फसल जींस है, चाहे सरसों है, चाहे ग्वार है, अगर स्टार्टिंग में वो माल बेच लेता है तो बेनिफिट में रहता है, तो उसके अंदर 1-2% 3% मोक्ष रहता है, मोक्ष के कारण उसको बेनिफिट मिल जाता है।